फिल्म में आपके स्वागत बा। टीम फिल्म के सब्सक्राइब करे खातिर सब्सक्राइब के लाल बटन के दबाई और नया नया गाना सबसे पहले सुनने खातिर घंटी के दबाई। अरे देखो, जब से तुम्हें देखा है हमें पसंद आ गई। शकल देखे हो अपना? शकल तो देखे हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या खराबी है इस शकल में? जाके पहले आईना में अपना चेहरा देख। सब छोड़ो, शकल वकल हम कुछ नहीं जानते। मानोगी कि उठा के ले जाएंगे, घर वाला भी कुछ नहीं करेगा। रंगदारी है? हाँ, रंगदारी है। नहीं करनी है शादी। साली हमको धक्का देगी, अभी हम बताते हैं। Ha ha ha!
बेटियाँ कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है और अपने घर चली जाती है। ठीक कहा आपने, मुझे भी सुमन की बहुत याद आ रही है। वो भी हम लोग को बहुत याद कर रही होगी, पहली बार जो हम लोगों से अलग हुई है ना। क्या बात है, भगवान ने तुम्हें जरूर फुर्सत से बनाया होगा। बिना गहने में तुम और भी खूबसूरत लगती हो, सही में। चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। हाँ चलिए। प्रणाम माँ जी। खुश रहा। खुश रहो। माँ जरा सुमन को भेजना उधर। बेटा सुमन। जी माँ जी। तुम्हें रवि बुला रहा है। जी। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, यहाँ हमारे अलावा है ही कौन। अजी सुनती हो, हमें कुछ काम है, हम बाहर जाके आ रहे हैं। ठीक है, खाना बनाने जा रहे हैं, जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। अरे सुमन तुम यहाँ? अरे अजी सुनती हो, सुमन आई है। सुमन आई है? सुमन बेहोश हो गई है, पानी लेकर जल्दी आओ। हे भगवान, इसको क्या हुआ? सुमन 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 सुमन, कुछ तो बोलो।
एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। सुमन, 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 क्या हुआ सुमन, कुछ तो बोलो। भैया, भैया वो लोग अच्छे नहीं हैं। भाभी, वो लोग बहुत बुरे हैं। हमको समझे नहीं, कौन अच्छा नहीं है, किसकी बात कर रही हो तुम? रवि और उसके माँ बाप के बारे में बात कर रही हूँ भाभी। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, यहाँ हमारे अलावा है ही कौन? क्या कर रहे हैं रवि, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए ना जी, पेन हो रहा है, छोड़िए, छोड़िए मुझे, पेन हो रहा है, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, रवि क्या कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, छोड़िए मुझे। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ देखो ना, उसने मुझे मारा। क्यों रे चुड़ैल, मेरे बेटे को मार डालना चाहती है क्या? देख तो जरा मेरे बेटे को कितनी चोट आई है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? रवि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी कहा। तो एक तो तुम्हारे भाई ने दहेज के नाम पर चिल्लर थमा दिया, उस पर से मुझसे जुबान लड़ाती है। क्या बोल रही है माँ जी आप, इसमें दहेज वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं आएगी दहेज वाली बात, एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करता है, और एक तुम्हारा भाई है। देखिए माँ जी, मेरे बारे में जो कुछ बोलना है बोल लीजिए, मेरे भाई के बारे में नहीं। देखिए तो जरा इसे, अभी आए हुए ठीक से दो दिन भी नहीं हुए कि इसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। रवि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए माँ जी क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं। कुछ तो बोलिए पापा जी, आप तो कुछ बोलिए। देखिए माँ जी, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे बारे में जो कहना सुनना है कह लीजिए, लेकिन मैं अपने फैमिली के बारे में एक शब्द भी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? लगी ना मिर्ची, जब यही तुम्हारी माँ मेरे भाई के बारे में बकवास पे बकवास किए जा रही थी उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है माँ, इसमें गलत क्या है? मैंने सोचा कि तुम्हारा भाई कुछ पैसा दे, इससे मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगी माँ, लेकिन नहीं, दहेज के नाम पे एक फूटी चिल्लर थमा दिया मुझे। और तुम्हारी जैसी लड़की, एक मिनट, ये तुम जैसी लड़की का क्या मतलब है? तुम ही ना आए थे मेरे घर रिश्ता लेके, हम तो नहीं, फिर तुम जैसी लड़की का क्या मतलब है अब? देखते जरा इसके तेवर, रुक मैं अभी तुझे मजा चखा। जवान लड़ाती है तू, हमसे जवान लड़ाएगी? मुझसे जुबान लड़ाती है तू, मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे जुबान लड़ाती है तू। सुमन, अच्छा मैं दामाद जी से बात कर लूंगा। बाबू, मेरी भी एक बेटी है, उसके लिए भी दहेज का व्यवस्था करना है। मैं और पैसे का व्यवस्था नहीं कर सकता,
मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती, इतनी सी बात पे घर छोड़ के चले आना ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम वापस जाओ, मैं मेहमान जी से बात कर लूंगा। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं, हम उस घर में नहीं जाएंगे। आप सब कुछ जानते हुए भी उस घर में भेजना चाहते हैं भैया हमें। सुमन, एक लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है। अगर तुम इस तरह से यहाँ रहोगी तो समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। भाभी, भैया, आप लोग भी हटिए यहाँ से प्लीज। आप लोग सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते हैं कि हम आप पर बोझ हैं और यहाँ नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम मर जाएंगे लेकिन इस चौखट पे दोबारा मुड़ कर नहीं आएंगे। हम जा रहे हैं। अरे सुमन, अरे तुम गलत समझ रही हो। सुमन, आ गई तुम्हारी अकल ठिकाने। चल अभी चल अंदर। मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, अब देख मैं तेरा क्या हाल कर। चल अपने आप को क्या समझती है तू? आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बहुत चलाक बनती है ना तू, आज मैं तेरी सारी चलाकी निकाल देता हूँ। हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज अगर अपनी बहू को बेटी समझती तो आज तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बहू का ये हाल ना होता। तुम खुद मार डाली हो अपने बेटे और बहू को, इसकी जिम्मेवार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। दहेज के लिए अपने बेटे और अपने बहू की प्राणों की आहुति दे दी ये औरत, अब आंसू निकाल रही है। लानत है ऐसी औरत पे, बेटा भी गया और बहू भी गई। अगर तुम दहेज का लालच ना करती तो आज तुम्हारा बेटा भी होता और तुम्हारी बहू भी। दहेज की लालची औरत।